सत श्री अकाल जी, गुड मॉर्निंग पंजाब देख रहे तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हां अनुबीर ते बुलेटिन की शुरुआत करांगे इस वेले दी अहम खबर दे नाल। अज पंजाब अदालत दी अहम बैठक होण जा रही है। मुख्यमंत्री जोनी दी अगवाई दे विच इह बैठक होवेगी ते इह जो बैठक है पंजाब सकत्तरेत दे विच दुपहर 3:15 बजे होवेगी। बैठक दौरान कई वड्डे फैसले लए जाण दी संभावना है। तां मुख्यमंत्री जोनी दे वल्लों बैठक तों बाद प्रैस कॉन्फ्रेंस भी कीती जा सकती है। करतारपुर लांघी नूं लैके सूत्रां दे हवाले तों वधी खबर तुहानूं दस्सण जा रहे हां। बाबे नानक दे प्रकाश पुरब तों पहलां सिख संगतां नूं वड्डा तोहफा मिल सकदा है। करतारपुर लांघा खोलण दी तैयारी दे विच केंद्र सरकार है। तुहानूं दस दईए कि पंजाब बीजेपी दे वफद ने राष्ट्रपति अते केंद्रीय गृह मंत्री नाल मुलाकात कीती। उहनां कोलों इह मंग कीती कि जो करतारपुर लांघा है उस नूं खोल लिया जावे। गुरु नानक साहब जी के प्रकाश पुरब तो पहला सिख संगत के खुले दर्शन दीदारे की अरदास पूरी हो सकती है। पंजाब बीजेपी की लीडरशिप के वलों लगातार दो दिन तो दिल्ली के मुलाकातों का दौर जारी है। बीजेपी के वफद वालों राष्ट्रपति नाल मुलाकात करके उन्होंने मंग पत्र भी सौंपया गया ते लांघा खोलन की मंग भी की गई। उस तो बाद बीजेपी वफद ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाल भी मुलाकात की। मुलाकात तो बाद बीजेपी आगुआ ने करतारपुर लांघा खुलण की उम्मीद जाहिर की है। जिक्रयोग है कि इस तो पहला बीजेपी पंजाब बीजेपी लीडरशिप ने पीएम मोदी नाल मुलाकात की। उन्होंने कोल भी यही मंग चुकी गई। भाजपा आगू हरजीत गरेवाल ने दस्या कि उन्होंने पीएम मोदी तो करतारपुर लांघा खोलन की मांग की। सिख संगतां दा और नानक नाम लेवा संगत दे भावना का ध्यान रखते हुए आसरा और श्रद्धा का विषय है। ये सानू एक तोहफा जिहड़ा 19 नवंबर तो पहला एक कोरीडोर खुले और गृह मंत्री जी ने पूरी तरह नाल आश्वस्त किया कि सिख बंधुआ की आस्था और श्रद्धा दे और पंजाबियों की और असंख्य जड़े नानक नाम लेवा है उन्हां दीआं भावनां दा ध्यान रख के निर्णय लवांगे। हमने अभी आज राष्ट्रपति जी से और देश के प्रधानमंत्री जी से और आज गृह मंत्री जी से निवेदन और प्रार्थना की है कि 19 तारीख को प्रकाश पर्व है, उस दिन वो खोला जाना चाहिए। ये पंजाब की और पूरे देश की मांग। करतारपुर कॉरिडोर बी ओपन नाउ सिंस इट सीम्स दैट कोरोना इज इन कंट्रोल। सो इफ करतारपुर कॉरिडोर कैन बी ओपन इट विल हेल्प लॉट ऑफ सिक्स टू विजिट करतारपुर साहब विच वॉज इनिशियली ओपन बाई प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ टू विजिट दैट ड्यूरिंग दी गुरपुरब। पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू एक बार मुड़ तो अपनी सरकार से हमलावर होंदे नजर आए। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि पंजाब आज देश में सब तो वध कर्जदार सूबा है अते जीडीपी दे 50% तक पहुंच गया है। साडे खर्चे का आधा हिस्सा महंगे कर्जे नाल फंड किया जाता है। असल मुद्दे तो भटकण की लोड़ नहीं है जिसका हर पंजाबी अते पार्टी वर्कर हल मंगता है क्योंकि पंजाब 2022 तो बाद भी है। वित्तीय जवाबदेही अते पारदर्शिता पंजाब मॉडल दे थम ने। जवाबदेही हर ऐलानी स्कीम ते फंडा दे स्रोतों का खुलासा करन दी मांग करदी है। पावे आमदन तो या वधेरे कर्जे तो पारदर्शिता हर महीने जनतक सूबे दी वित्तीय सेहत बनाउण दी मांग करदी है। उधार लैणा अगे दा रस्ता नहीं है। टैक्स कर्जे दे निपटारे दे लई नहीं जाणा चाहीदा सगों विकास दे रूप विच लोकां नूं वापस जाणा चाहीदा है। हल मुखी मॉडल सूबे दे स्रोतों की चोरी नूं रोकणा, सरकारी खजाना भरना अते आमदनी पैदा करके एक कल्याणकारी राज बनाउणा। उधर जी मीडिया के मंच से मुख्यमंत्री चन्नी ने कर्जे को लेकर पूछे सवाल ते की जवाब दिता तुहानू वी सुनाउने आ। तुसी देखो कि जेड़े अकालियां दी सरकार दे विच समझौते होए मजीठिया जी मंत्री सीगे सोलर एनर्जी दे जेड़ी धुप तो लाइट पैदा हुंदी है ये इन्होंने 17.38 रुपये एक यूनिट खरीदी। हर साल उस कंपनी नू 1700 करोड़ रुपया जा रहा है ते ऐसी किन्ने रुपये खरीदी मैं हुणे करके हटिया समझौता 2.38 रुपये 15 रुपये यूनिट का फर्क है यार। इन्हों लोगों ने तरसे नहीं करे पंजाब ते। तुसी कह रहे पैसे कित्थे दे बचने हैं
मैं 15 रुपए यूनिट तो ये बचा रहा 200 यूनिट जेडे लोगों ने माफ किए वे यदा मतलब है सानू 3500 रुपए पेंदे सी जेडे इन्हां दे रेट है हूँ मैं इन्हां दे सारे समझौते रद्द करते है सोलर दे करते है तीन जेडे साडे पावर प्लांट है उन्होंने करते है एक पावर प्लांट महंगी बिजली 3 बार नैगोशिएट किया इन्होंने उस बिजली का रेट इन्नी महंगी बिजली के 7.5 रुपये रेट तो मिलती है सानू तो भी मैं समझ उन्हों बंद ही करता है वह मैं नोटिस जारी करता 30 दिन बाद प्लांट ही बंद कर देना जिदे इन्नी ज़्यादा बिजली जब मैं सस्ती बिजली हूँ खरीदनी है और खरीद रहा है मैं हूँ 2.25 रुपये मिल रही है तो मैं क्यों नहीं सस्ती दूँगा मैं 3 रुपये रेट घटाता है पेट्रोल है मैं 10 रुपये सस्ता किया लेकिन 15 रुपये लोगों तो मैं टैक्स भी तो ले रहा मैं अपना जोड़ा मैं आ रहा टैक्स उ 10 रुपये घटाया मैं अपने को कुछ नहीं देन लग्या अजे भी मैं पैसे बचते हैं पेट्रोल के टैक्स के सरकार नू पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ हाईकोर्ट के वकील परमप्रीत सिंह ने क्रिमिनल कंटैम्प्ट पटीशन पाई है हरियाणा के एडवोकेट जनरल के कोल उन्होंने पटीशन दाखिल की है ते पटीशन ते बल्कि 11 बजे सुनवाई होगी तो जे पटीशन दे विच प्रवानगी मिली तो हाईकोर्ट दे विच जिहड़ी पटीशन है वह दाखिल की जाएगी तुम दस दिए कि ड्रग्स मामले में हाईकोर्ट नू डायरेक्शन देने नवजोत सिंह सिद्धू ते इल्जाम लगाए गए ने उन्होंने कहा है कि ड्रग मामले की सुनवाई तो पहला नवजोत सिंह सिद्धू हमेशा ट्वीट से ट्वीट करते हैं पटीशन के नवजोत सिंह सिद्धू वालों किए गए ट्वीट भी नाल अटैच किए गए मानयोग अदालत तो ऑर्डर कोई अपनी फेवर च करवाने वास्ते हर बार जो भी डेट की हेयरिंग की डेट होंगी है वह कुछ ना कुछ ट्वीट करके ऑर्डर जो ट्वीट करते हैं उही लेना चाहते हैं पर जो मानयोग अदालत तो ऑर्डर नहीं देंदी तां ओ फिर उन्हों दूजे पासे हो जांदे ने ते हाई कोर्ट दी इमेज नू टार्निश करदे ने दिस इज द रीजन कि असी क्रिमिनल कंटैम्प्ट पटीशन फाइल कीती है ते जो कि मानयोग एडवोकेट जनरल हरियाणा ने असैप्ट कर ली है असैप्ट करन तो बाद उन्हों प्रीलिमिनरी हेयरिंग ते कल रख्या है ते आई होप फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स ते पंजाब दे ड्रग रैकेट मामले दे विच हाई कोर्ट दे विच सुनवाई हुई ईडी ने हाई कोर्ट दे विच 10 वड्डे तस्करां दे नाम जो ने ओह पेश कीते ते कनेडा बैठ तस्करां नूं भारत लियाउण दी कोशिश जो है ओह वी कीती जा रही है कनेडा सरकार नूं तस्करां दी सबूतगी दी अपील कीती गई है विदेश मंत्रालय दे अधिकारी दा हाई कोर्ट दे विच हलफनामा है कि उन्होंने कहा है कि जो असी अपील है ओह पहलां तों असीं कर चुके हां ते कनेडा सरकार दे कोल भारत सरकार की यह अपील ये मंग जो है लंबित पई है कनेडा सरकार ने पहला भारत की मंग से एतराज जताया सी ते भारत ने एतराज दूर कर मुड़ तो अपनी मंग की अपील भेजी है हम दस दिए ड्रग मामले अगली सुनवाई जो है 18 नवंबर में होगी रोजगार के मुद्दे से जी पंजाब राणा हिमाचल के मंच से सीएम ने वड्डा ऐलान करदिया कहा है कि पंजाब दीआं सरकारी नौकरियां दे विच पंजाबियों नूं पहल दित्ती जाएगी इस नाल ही उन्होंने कहा कि नौजवानों नूं पंजाब रोजगार मुहैया करवाउणा सरकार की तरजीह है ते सरकारी नौकरियां च कोटे संबंधी सरकार कानून लियाउण की तैयारी दे विच जिहड़ा मेरा अगला टीचा यह है कि किस तरीके दे नाल पंजाब दे नौजवानों नूं ही पंजाब च नौकरी मिले बाहर तो आके नौकरियां मिली है सरकारी हुण जिहड़ियां भर्तियां हो रही उहदे च 50-50% बाहर दे बंदे भर्ती हो रहे ये सिस्टम खत्म करके पंजाब दे नौजवानों नूं ही पंजाब दीआं कुड़ियां पंजाब दे मुंडियां नूं नौकरी मिले बाहर तो आके जिहड़ियां नौकरियां लैंदे साडे बंदियां नूं मिलदियां नहीं ये मैं हुण कानून लैके आना है मुख्यमंत्री चन्नी वालों सरकारी नौकरी में पंजाबियों को तरजीह देने वाले बयान से हुण सियासत सरगर्म हो गई है विरोधी धिरां वालों सरकार से सवाल चुके जा रहे हैं पहला तो मैं चन्नी साहब ये कहना चाहूँगा कि प्राइवेट सैक्टर के सिर्फ पंजाबियों के लिए रिजर्वेशन कर तो पहला जिहड़े तुहाडे अपनी सरकार ने पिछले 5 साल सरकारी महकमें दे विच चाहे टीचर्स ने चाहे पुलिस मुलाजम ने चाहे बिजली मुलाजम ने जिहड़े नेबरिंग स्टेट्स तो भर्ती किए ने पहला तुसीं उहदी इनकुआरी का करा लो कि वह किवें होए ने 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली पंजाब दीआं नौकरियां पिछले 5 सालां दे विच तुसीं रिउड़ियां वांगू बाहरलियां स्टेटां दे मुंडिआं नूं वंड दित्तियां ते हुण तुसीं कहिंदे हो कि असीं सरकारी दे नाल प्राइवेट दे विच वी रिजर्वेशन करांगे ये सिर्फ और सिर्फ
इलेक्शन दे शगूफे ने होर इस अलावा कख नहीं है। ताकि पौने पांच साल कांग्रेस की सरकार ने रज के लुटिया, कांग्रेस के नेतावान ने रेत माफिया पंजाब खड़ा किया और हाई कोर्ट नू इंटरवेंशन करनी पई सी। पर चलो चन्नी साहब ने अनाउंसमेंट करती कि अभी 5.5 रुपए प्रति फिट करांगे, जनता नू भी लग्या कि शायद सानू राहत मिल जाएगी। सो सिर्फ घोषणा कर देने नाल कुछ नहीं हुंदा है। अज पंजाब की जनता जो सोच रही थी कि शायद सानू सस्ती रेत मिलेगी, उन्हें कितनी महंगी रेत आज भी लेनी पै रही है। तुहाडे कोल कोई स्ट्रैटेजी है या तुहाडी राजनीतिक इच्छा भी है कि नहीं है कि सिर्फ घोषणावां करके, क्योंकि चन्नी साहब नू ये गल पता है कि मैं हुण सिर्फ 30 दिन का और मुख्यमंत्री बचिया है, उहदे बाद कोर्ट लग जाना है और उहदे बाद ते रब ही मालक है कांग्रेस का की बनना है सब नू पता है। नवजोत कौर सिद्धू दे अफीम दी खेती वाले बयान ते हरियाणा दे गृह मंत्री अनिल विज ने वड्डे सवाल चुके ने। अनिल विज ने कहा कि गैर कानूनी गतिविधियां करन लई सत्ता दे विच अजिहे लोक आना चाहुंदे ने। दस दिए कि नवजोत कौर सिद्धू ने सीएम चन्नी नूं अपील की कि पंजाब दे विच अफीम की खेती नूं मान तक दी जावे, जिससे हुण सियासत गरमा गई। हरियाणा दे गृह मंत्री अनिल विज ने नवजोत कौर सिद्धू दे इस बयान ते सवाल चुके। जदों तक फीम उहदे च 25 वैरायटीज तो उत्ते हैं जिहड़ियां नॉन एडिक्टिंग वैरायटीज हैं जिहड़ियां कि मेडिसिन दे विच काम आउंदियां। अज कैनेडा अमेरिका वर्गियां स्टेट्स पागल थोड़ी हैं वी जिहड़ियां अलाउ करदियां। ਇਹ ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫੀਮ ਸੀਗੀ ਛੋਟੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਆਪ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਰਜਿਸਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਪਲਾਈ, ਕਦੇ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਡੀਸਨਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇਣ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮੈਰੀਕਾ ਜਦੋਂ 100% ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਤੇ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਲ ਕਰੇ ਆਪ, ਨੋਰਮਲ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਉਸ 'ਚ ਨਾ ਭੇਜੇ, कंट्रोल्ड खेती करे, बाहर मार्केट होवे। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि ये पंजाब में सत्ता पर काबज इसीलिए होना चाहते हैं कि गैर कानूनी गतिविधियां ये कर सकें या उनको मान्यता प्राप्त करा सकें। हमें संविधान और कानून की रक्षा करनी है, ना कि उसको तोड़ने वालों को बढ़ावा देना है। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ 220 ਟਨ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ। ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਾਲ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਰੋਡ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਟੱਪਣਾ ਦੁਰਬਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਢੇਰ ਨੂੰ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਪ ਹੀ ਫੈਲਣਗੀਆਂ ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਲਰੇਡੀ ਫੈਲਣਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਤਾਂ ਚਾਹ ਚੱਲੇਗਾ ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬੰਦ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚਲੋ ਜੈਂਟਸ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਰ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਫੈਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਅੱਜ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀ ਵਿਪਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਸੈਣੀ, ਜੀ ਮੀਡੀਆ, ਬਠਿੰਡਾ। ਵਕਫੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।